पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर निदा सईद है, मैं एक जनरल सर्जन हूँ और आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारी के बारे में अवेयरनेस देने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। मैं आपको जिस बीमारी के बारे में मालूमात देने के लिए आई हूँ, उस बीमारी को आम जबान में, बल्कि मेडिकल टर्म में, फिस्टूला कहते हैं। आम जबान में जब मरीज़ हमारे पास आते हैं तो वो यूजली जो स्टूल पास करने की जगह है वहाँ पर किसी भी दाने या कोई भी डिस्चार्ज यानी मवाद आने की कंप्लेन के साथ आते हैं। होता यह है कि मरीज़ को अपने स्टूल पास करने की जगह के आसपास कोई एक दाना महसूस होता है जिसमें से ऑन एंड ऑफ पस या कोई भी खून टाइप मवाद उसको निकलता है। मरीज़ को एंटीबायोटिक जो फिजिशियन होते हैं, जनरल फिजिशियंस या जिन डॉक्टरों के पास वो जाता है, यूजली वो एंटीबायोटिक से रिकमेंड करते हैं। जब वो एंटीबायोटिक खाता है तो उस दाने में से पस या मवाद आना बंद हो जाता है, लेकिन एंटीबायोटिक के कोर्स ख़त्म करने के या वैसे ही कुछ अरसे के बाद उस दाने का मुंह बंद हो जाता है। ऑन एंड ऑफ वो दाना जो है वो पस डिस्चार्ज उसमें से आता है और फिर बंद हो जाता है। बेसिकली वो बीमारी फिस्टूला की होती है और उसका सिर्फ एक मुँह नहीं होता बल्कि उसके दो मुँह होते हैं। एक मुंह वो होता है जो मरीज़ महसूस कर रहा होता है, जो स्टूल पास करने की जगह के बाहर होता है। दूसरा मुंह वो होता है जो पखाने की नाली के अंदर मौजूद होता है। ये एक पूरा ट्रैक बना होता है, एक पूरा रास्ता अंदर बना हुआ होता है जिससे बाहर का सुराख और अंदर का सुराख एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जब एक दफ़ा ये रास्ता बन जाता है तो फिर इस रास्ते का खुद ही बंद होना जो है वो मुमकिन नहीं होता। अब बात यह है कि मरीज़ को किस तरीके से पता चलेगा कि उसको फिस्टूला ही है या कोई और बीमारी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मरीज़ आके ये शिकायत करते हैं कि उनको एक दाना है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि स्टूल पास करने की आस जगह के आसपास कोई पस या फोड़ा बन जाता है और मरीज़ डायरेक्ट उस कंप्लेंट के साथ आता है कि उसको फोड़ा बना हुआ होता है। तो ये प्रेजेंटेशन इस फिस्टूला की हो सकती है। जब भी आप अपने मौलज के पास जाएंगे या ये ट्रीट बेसिकली जनरल सर्जन्स करते हैं, तो जब आप किसी भी जनरल सर्जन के पास जाएंगे तो वो आपकी स्टूल पास करने की जगह का मुआयना करेगा। जब वो मुआयना करेगा उसी वक्त उसको पता चल जाएगा कि यकीनन इसकी एक इंटरनल ओपनिंग भी है। इसका अब हम बात करते हैं कि इसका सल्यूशन क्या है। जब आपका जनरल सर्जन आपका मुआयना करेगा तो वो उस अंदरूनी वाले सुराख को फील कर लेगा, तो इस तरीके से आपकी बीमारी डायग्नोज हो जाएगी। अब जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है वो ये कि आपका जो फिस्टूला है वो आपके जो रिंग है, स्टूल पास करने की जो पूरी कैनाल होती है, एक जो नॉर्मल उसका ट्रैक होता है, जो पाइप होता है, उसके बीच में एक रिंग होता है और कुछ पट्टे होते हैं जो आपकी कुव्वत होती है स्टूल रोकने की, उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब फिस्टूला में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि उसका जो ट्रैक है, जो मस्नूई रास्ता बन गया है स्टूल पास करने की जगह से जो कनेक्ट हो रहा है, वो उन पट्टों के ऊपर है, उस रिंग के ऊपर है या उस रिंग के नीचे है, एक बात। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि उसकी कई मल्टीपल शाखें तो नहीं है। यूजली मरीज़ जब इस बीमारी को बढ़ाते हैं, बड़े अरसे तक इसके साथ सफ़र करते हैं, तो ये अपने कई रास्ते बना लेता है। तो आपका जो जनरल सर्जन होगा वो इस चीज़ को चेक करेगा कि इसका एक ही रास्ता है अंदर की तरफ या कई रास्ते हैं, और ये उस रिंग से, उन पट्टों से ऊपर है या उन पट्टों से नीचे है। अब इसका मालूम करना ज़रूरी क्यों है कि पट्टों के ऊपर है या पट्टों के नीचे और इसके मल्टीपल ट्रैक्स तो नहीं हैं? इसके लिए ये भी हो सकता है कि आपका जो जनरल सर्जन है वो आपको फिस्टूलोग्राम या MRI लिख कर दे। MRI या फिस्टूलोग्राम से हमें तशखीस होती है कि ये जो फिस्टूला है इसके कई मल्टीपल ट्रैक्स तो नहीं हैं। ये मालूमात लेने के बावजूद के बाद आपका जो सर्जन है वो आपको इसकी सर्जरी एडवाइस करेगा। अब इसमें सर्जरी जो एडवाइस की जाएगी वो इसी बात पर डिपेंड करती है कि आपका सिंपल फिस्टूला है या विद मल्टीपल ट्रैक्स है, पट्टों के नीचे है या पट्टों के ऊपर है। यूजली जो सिंपल फिस्टूलाज होते हैं उनमें सिंपल सर्जरी होती है और उस ट्रैक को निकाल दिया जाता है और ले ओपन कर दिया जाता है। अच्छा, जो सिंपल फिस्टूलाज होते हैं या कॉम्प्लेक्स हों, दे ऑल एंड अप इन सर्जरी।
क्योंकि ये फिस्टूला कभी भी खुद से नहीं बढ़ता, इसकी सर्जरी लाजमी करनी पड़ती है। इस कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो इस फिस्टुलस ट्रैक को बंद कर दे। ये एक मसनूई रास्ता बन जाता है जिसके अंदर बैक्टीरियाज ग्रो कर जाते हैं। वक्ती तौर पर एंटीबायोटिक लेने से ये वक्ती तौर पर तो हील हो जाता है, लेकिन इसका परमानेंट हल नहीं निकलता। इसका परमानेंट हल जो है वो सर्जरी ही है। सिंपल फिस्टुला की सर्जरी बहुत सिंपल है। छोटा ट्रैक होता है, उसको ले ओपन या फिस्टुलेक्टमी यानी उस पूरे ट्रैक को निकाल दिया जाता है। उसके बाद मरीज को 5 दिन या हफ्ता भर ड्रेसिंग करानी पड़ती है, नीम गर्म पानी के टब में बैठना पड़ता है और पेन किलर्स हम साथ में देते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फिस्टुला की। अगर आपका फिस्टुला कॉम्प्लेक्स है यानी उसकी मल्टीपल ब्रांचेज हैं, वो पट्ठों को इन्वॉल्व कर रहा है, वो पट्ठे जो आपकी कुव्वत स्टूल पास करने की कंट्रोल करते हैं, या फिर आप एक दफ़ा ऑपरेट करा चुके हैं और वो फिर दोबारा हुआ है, तो ऐसे फिस्टुला को कॉम्प्लेक्स फिस्टुला कहते हैं। ऐसे फिस्टुला की सर्जरी या तो एक स्टेज में होती है या फिर 2 स्टेजेस में इसकी सर्जरी होती है। अच्छा, इसकी सर्जरी का सक्सेस रेट जो है वो 80-90% है, यानी कि दोबारा ना होने का चांस जो है वो 80-90% है, जो कि बहुत अच्छा जो है वो रिज़ल्ट है इसका। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड फिस्टुलाज होते हैं, सिंपल फिस्टुलाज होते हैं, उनका जो है वो 95-98% अच्छा रिज़ल्ट होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स में हमें ये परसेंटेज थोड़ी सी कम मिलती है। उसका रीज़न जैसे कि मैंने आपको बताया कि पट्ठों को इन्वॉल्व कर लेना या फिर मल्टीपल ट्रैक्स बना लेना। उसकी सर्जरी जैसे कि मैं आपको बता रही, या तो 1 स्टेज में होती है या 2 स्टेजेस में। अगर आपके सर्जन को ऐसा लगे कि अगर हम 1 गो में ही सर्जरी करेंगे, वो पट्ठों को इन्वॉल्व नहीं करेगी और ट्रैक कम्प्लीटली निकाला जा सकता है, तो ये सर्जरी 1 गो में हो जाती है। कभी कभार हमें उस ट्रैक के अंदर आधा काटने के बाद एक धागा टाई करना पड़ता है, या फिर जो है और दूसरे तरीके होते हैं जो कि और कॉम्प्लेक्स सर्जरीज हैं वो करनी पड़ती हैं, और उसके बाद 3-4 महीने के बाद जो है वो रीडू सर्जरी करके उस धागे को निकाल दिया जाता है। चाहे सिंपल फिस्टुला हो चाहे कॉम्प्लेक्स फिस्टुला हो, दोनों की जो है कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है अगर अच्छा जनरल सर्जन इनको ट्रीट करे तो। और जो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है उसके बाद ज़ाहिर है कि क्योंकि कॉम्प्लेक्स था, मेजर सर्जरी है, ट्रैक ज़्यादा बड़ा था और आपकी जो जगह है वो ज़्यादा उसमें चीरा लगेगा, तो ड्रेसिंग्स थोड़ी लंबी होती हैं और जो है ड्रेसिंग्स का इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो ड्रेसिंग के लिए जो भी सोल्यूशन दिया जाता है उससे ड्रेसिंग कराई जाती हैं, एंटीबायोटिक्स जो है वो मरीज़ को दी जाती है, और ये भी जो है इसकी भी बहुत अच्छी हीलिंग होती है और ये भी परमानेंटली हील हो जाता है। अगर आपको इस तरह की कोई शिकायत है कि आप कुछ अरसे से ही महसूस कर रहे हैं कि आपके स्टूल पास करने की जगह के आसपास कोई दाना है जिससे मुस्तकिल जो है वो पस या कोई भी मवाद आ रहा है, तो आप ज़रूर आएँ, मुझको दिखाएँ, और जो है आपको मेरा नंबर ऑला डॉक पर इजीली अवेलेबल होगा, आप मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुझको लाइफलाइन हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। और ये जो फिस्टुला है इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट और सर्जरीज मौजूद हैं, तो आप बिल्कुल मत घबराएं और आप जो है वो किसी भी अच्छे जनरल सर्जन को दिखाएं और इसको ट्रीट कराएं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।